राणा गुरजीत सिंह दे कैबिनेट मंत्री बनते ही उन्हां दी शूगर मिल का मामला एक बार फिर तो विवादां च आ गया। दरअसल राणा गुरजीत सिंह नूं हुण कई पिंडां दीआं पंचायतां दे विरोध का सामना करना पै रहा, जिथे पंचायतां वल्लों पिंड बुटर दे विच सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस मौके पंचायत मैंबरां ने कहा है कि शूगर मिल कारण पिंडां दे हालात बेहद माड़े होए पए ने, पर जदों भी इसका विरोध किया गया तां पिंड वालिआं ते परचे हो गए ने अते हुण राणा गुरजीत सिंह नूं टैक्नीकल एजुकेशन दे नाल नाल इंडस्ट्री ट्रेनिंग विभाग भी दिता गया। सो उन्होंने हुण इस मामले का हल कढ़े जाण अते परचे रद्द किए जाण दी कॉन्फ्रेंस राही अपील की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मुद्दा जी साफ हवा ते पानी दा, जो पिछले तकरीबन 5-6 महीनों तो साढ़े लागे लागे जिहड़े नगर ने वो सारे ने उठाया वा मुद्दा वा राणा गुरजीत दी ये मिल गन्ने वाली मिल जिहड़ी बुटर सिवियां विच लगी आ, ये साढ़े लागे सागे 8-10 पिंडां दा जिहड़ा पानी आ वो बहुत खराब हो चुकिया, क्योंकि जिन्ना भी वो पानी आ जिहदे नाल खंड सफाई हुंदी आ सारा उन्हें डंप किया थले धरती दे विच, कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लाया। नंबर दो, जिहड़ी चिमनी ते सवाह उड़दी आ 6-7 महीने वो लागे लागे पिंडां विच उड़ के अखां च पैंदी आ, बहुत ज़्यादा केस आ जिहड़े हुण तक कई अन्ने हो चुके ने। जे असीं अज पिछले समें विच आवाज़ उठाई आ ते साढ़े लागे छागे तकरीबन 11-12 ना उन्हें अनाउंस करते आ ते बाकी 55 जाने आ जिन्हां ते उन्होंने केस करते आ कि साढ़े नाल इन्हां ने कब्जा करना मिल उत्ते, ते साड़ी हर एक जदों भी असीं कोई उत्थे कार्रवाई करदे आ ते साड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग हुंदी आ उत्थे जो भी उत्थे असीं बोलदे आ करदे आ। सो असीं ते हैरान आ कि सरकार ने राणा गुरजीत जी नूं जिहड़ी हुण बनी सरकार चरणजीत चन्नी दी, उन्होंने उन्हां नूं महकमा भी उह दित्ता वा साफ पानी ते धरती दी सेहत संभाल वास्ते, पर मैं मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत चन्नी नूं यह कहना चाहूँगा अपनी पूरी टीम वालों कि जे किसी ने साफ हवा की या साफ पानी की मंग की तो राणा गुरजीत जी ने वो उत्ते परचे करने आ, ये कोई दो राय नहीं गी। सो जिहड़े साढ़े ते परचे होए आ साढ़े 55 जाणिआं ते असीं पंजाब सरकार नूं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि साढ़े ते बिल्कुल नजायज़ परचे होए आ वो रद्द किए जाण, जे वो परचे सही पाउंदे आ ते फिर जिहड़ी बनदी सज़ा वो सानू दित्ती जावे, पर साडा हक वा साफ पानी ते साफ हवा, इहदे वास्ते असीं पहलां भी लड़दे रहे आ ते गांह भी लड़दे रहांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं रणजीत सिंह राणा शाह सरपंच तरदेव सरदारा। वेखो ये मिल लगी नूं लगभग 30-32 साल हो गए आ, जिवें दस्या कि गल लोकी कोई मंग नहीं गी लोगों की कोई वड्डी, ना कोई राणा जी ना किसी की दुश्मनी आ, मिल लगी आ अपने तरीके नाल चलाउण, पर जो कुदरत ने सानू साफ हवा ते पानी बख्शिया साडी उही आ कि उहदे विच रोड़ा ना बणिया जावे, साडा हवा ते जो कुदरत दी देण आ उह ना साडे को खोई जावे, उस हक वास्ते जो कि वैसे उहनां दा अपना इनसानियत दे तौर ते फर्ज बणदा कि असीं जे इत्थों बिजनेस करके कमाई कर रहे हाँ ते असीं लोकां दीआं इन्हां मुश्किलां नूं आप खुद समझिए, पर जो उन्होंने नहीं समझिया जां उन्हां दे ध्यान विच नहीं आईआं, पर पिछले 3 साल तो लगभग साढ़े सारे मोहतबर वीर जां जिहड़ी टीम आ यूथ वो अपना इस चीज़ नूं हाईलाइट कर रहे हैं, पर मिल वल्लों उहदे उत्ते कोई गौर नहीं किया गया। हुण जे उस नूं इक लोक लहर बन गई लोकां दे विच ते उस दा उस नूं सुधारन दी जगह जां उस दे उत्ते कंट्रोल करन दी जगह जां उस दा लोकां नूं भरोसा देण दी जगह ये नहीं किया गया कि लोगों को समझाइए कि नहीं असीं अगे तो ये चीज़ां दी प्रकोशनस वरतांगे जां असीं सुधार करांगे ताडे ते अगे वास्ते सवाह जिहड़ी आउंदी आ उह नहीं आऊगी जां प्रदूषण घटावांगे जां जिहड़े साडे माड़े साधन आ सवाह वाले जिन्हां नाल एक्सीडेंट हुंदे आ उहनां नूं कोई कंट्रोल करांगे, बजाय उस दे जिन्हां वीरां ने आवाज़ उठाई उहनां दे उत्ते परचे कर दित्ते गए आ। ये परचे असल दे विच उहनां दी निगाह दे विच 11 जाणिआं दे उत्ते होणगे जां 50 जाणिआं दे उत्ते होणगे, पर साडी निगाह दे विच इह लागले 8 पिंडां दे उत्ते परचे आ, क्यों इह 8 पिंडां दी आवाज़ आ, इह उहनां 10-11 बंदिआं दी नहीं। अज उह 10-11 बंदे फड़े भी जाण तुसीं 50 भी फड़ लोगे ते जे अगे 20 बंदे अगे लगे हीगे ते हुण उह तों बाद 100 दा हजूम अगे तुरेगा, जे उह तुसीं 100 दे परचा करोगे ते 500 दा बणेगा। इह लोक लै रहा लोकां दे जो कुदरत ने हक दित्ते उह मंग रहे आ, कोई किसी कोलों कोई निजी नहीं चीज़ मंग रहे, कोई मतलब इहदे विच ਸਾਡੀ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ
मैं तो राणा जी ने यह कहूँगा कि तुम कैबिनेट मंत्री बने जो तुम जो परमात्मा ने व्डा अहदा दिता तो दिल व्डा विखालो ये उही लोग ने जिन्होंने तुम मते पा के इतने मिल लिया अज उन्हां मोहतबरां नूं भी किंतु परंतु नाल वेख्या जांदा जिन्हां ने इत्थे मिल वास्ते योगदान पाया सी कि साडे एरिए दे विच मिल आवे पर जेकर तुसीं चंगे तरीके नाल चलाओगे तो उन्हां दी भी पिंडां दे विच इज्जत बणे जिन्हां ने इत्थे मिल लिआंदी आ तुहाडियां कुछ घटिया सिस्टम की वजह दे नाल उह बंदे भी बदनाम हो रहे आ इह परचे खारज कीते जाण अगर नहीं खारज हुंदे तो लागले जिहड़े 10 पिंड ते अज दी तरीक दे विच बैठे आ कि किहड़े वेले असीं इस नूं जदोजहद नूं अगे लै के तोरीए पर साडी इन्हां वीरां ने उहो बेनती कि गर्मजोशी दे नाल कोई नहीं चलना प्रशासन दे नाल तालमेल रख के प्रशासन नूं पता आ कि कोई यह हक सच की लड़ाई लड़ रहा कोई गुंडागर्दी नहीं की कोई डांगा कृपाना लैके किसी खो नहीं की जी 455 लग जूगी सो बेनती आ परचे रद्द किए जाते कला रद्द कित्या नहीं सरना जो लोगों दी मंगा उन्हां वल ध्यान दिता जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सेवादार ग्राम पंचायत रदेव तो जो कि साड़ी अगे लाके टीम चल रही थी जो आड़ी हवा दी जां पानी दी लड़ाई लड़ रहे उन्होंने परचे किए गए जेडे साढ़े हुण मुख्यमंत्री साहब बने ने सरदार चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने वालों कहा गया कि किसी के भी नजायज परचा नहीं होएगा पर पेंद्या लेंद्या ही साढ़े जेडे टीम जी लड़ाई लड़ रही पेंद्या लेंद्या उन्होंने नजायज परचे कर दिए गए। मैं तो यो हाथ जोड़ के बेनती कराँगा भी इन्हों के जोड़े परचे आ नजायज़ होए आ उन्होंने रद्द किया जाए बाकी 8 पंचायतों के साड़िया जड़िया चल रही आने वाले दिनों के होर भी अगले पिंड 20-25 पंचायतें साढ़े नाल संघर्ष को तेज़ कर जे परचे रद्द ना होए। मैं इन्ना कहना वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतह। मौजूदा सरपंच सरदार सुखदेव सिंह जी गिल शहीद मलकीत सिंह नगर तो कि जो साढ़े वीर मनदीप जी इस टीम को लैके चले सी इन्हां ते नजायज़ ते धक्केशाहियां करके गुरजीत सिंह राणे ने परचे करवाए ये परचियां की प्रोपर जांच की जाए नहीं तो साड़ा संघर्ष लंबा समा चलेगा साढ़े तो 8 पंचायतों तो 25-30 पंचायतों साढ़े नाल अगे वास्ते मते पा के देने तैयार वा इन्हां दी हक रसी तां आपां करांगे जे इन्हां बंदियां नूं परचियां दे विचों कढ़िया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जी चरणजीत सिंह सरपंच दयालगढ़ तो यही बेनती करता वा कि वेखो जी हवा पानी की लड़ाई चलती ही बहुत ही प्यार दे नाल सत्कार दे नाल इन्हां गाड़ी जाके मिंत्रला भी किया कि इन्हों किस तरीके ना बंद किया जाए लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं साड़ी की एक करके जे इन्होंने वीर जी होना ने कुछ वीडियो वायरल कर दतियां तो इन्होंने उदा ही झूठा सच्चा करके कि साढ़े घर आण के वाचमैनों साड़ियां ते इन्होंने हमला किया वा योजा कुछ नहीं जी होया देखो जी जिते भी कुछ भी करते उन्होंने नाल सारी पंचायत के हुक्मां दे नाल चलते आ कोई योजा गलत नजायज़ फायदा नहीं है चुकते भी हुण पंचायतां वा साढ़े नाल इन्ने पिंड जुड़ गए अहीं कोई वड्डा फैसला ले लिया अपनी मर्जी दे नाल इहो जी कोई गल नहीं आ ते सिर्फ हवा पानी की लड़ाई ही कि जिहड़ा इन्हां ने इन्हां ते गलत परचे करके ते अंदर पाउण की कोशिश की आ कि यही बंदे जिहड़े आवाज़ चुकते आ इन्हां नूं अंदर किया जाए तो एक करके बेनती आ कि बहुत ही साढ़े सत्कारयोग वड्डे वड्डे साढ़े वीर पंचायतां यही मंग करदियां वा साडी भी यही मंग वा कि जिहड़ी इन्हां ने आवाज़ चुकी आ वह आवाज़ का कोई मसला हल होवे ते इन्हां दे जिहड़े नजायज़ परचे होए आ उन्हां नूं वापस किया जाए खारज किया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। मैं पिंड पुट्टर खुरद दा सरपंच धर्मिंदर सिंह सरपंच मैं इहो हाथ जोड़ के बेनती है जो इन्हां ते वीरां ते परचे होए आ उन्हां नूं रद्द किया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। जो ये संघर्ष शुरू किया है वो संघर्ष साडा जो सारे ही इलाका निवासी ने उन्होंने शुरू किया है ना कि जो साढ़े अज 11 नौजवान ने जिन्हां ते परचे हुए आ वो कल्ले उन्होंने शुरू नहीं किया। ठीक है अज तुसीं यह सोचा कि शायद मनदीप सिंह एक जां उन्हां 11 ते तुसीं परचा करके ते साढ़े संघर्ष नूं दबाउण की कोशिश करोगे। अज साढ़े इलाके दे विच घर घर दे विच जो मनदीप सिंह है वह पैदा हो चुके ने
असी इस संघर्ष में जो भी तुम साढ़े तो परचे किए ने वो तो असी डरन वाले नहीं हाँ तो इस संघर्ष में अं कोई ढिला नहीं पैन देवे। असी सरदार मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ये जो आवाज़ ताडे तक ये पहुँचानी चाहते हैं कि जो साड़ी धरती दे अंदर जो इस इलाके दे विच पानी गंदा सुट्टिया जा रहा उहदे नाल साढ़े इलाका निवासी ने जो उन्होंने कैंसर की बीमारी काले पीले की बीमारी उल्टियां जो आउंदियां ने वह बीमारी जां होर वख वख बीमारियां ने साढ़े जो इलाका निवासी उन्होंने घेर लिया है। तुसीं कितें आ के साढ़े पिंडां दे विच वेखो जिथे साडे पिंड दे विच 10 क डॉक्टर होंदे सी अज 50 डॉक्टर ने साडे पिंड दे विच उहदा कारण इह है कि साडे पिंडां दे विच बीमारियां वध गईआं। साढ़े पिंड धरदियो दे विच 3 शिवे ने शमशान घाट ने इसे बीमारी के कारण एक शिवा ठंडा नहीं हुंदा ते दूजा उत्थे पहुंचिया हुंदा है मुरदा। सो असीं बेनती करदे आं भई जे तुसीं मुख्यमंत्री साहब ये कहा है कि यह जिहड़ी सरकार है गरीबां दी है पर जिहड़ा तुसीं मंत्री बनाया है वह तां कहिंदा मैं अमीर हाँ कि गरीब आवाज़ चुके सही मैं उसकी आवाज़ नूं जो परचिया राही दबा दूंगा। जिथे भी असीं धरना लाने उत्थे बिल्कुल साढ़े नाल मीडिया भी हुंदा जो लोकल पुलिस वो भी हुंदी है। अज जिहड़ी पुलिस ने परचा कट्टिया वो किहड़ी जगह ते नहीं सी असीं बिल्कुल भी साडा कोई भी मैंबर पार्ट इह जो टीम मैंबर वा वह बिल्कुल ना किसी मिल दे अंदर गया ना किसी मुलाजम नूं वध घट बोलिया ते ना ही उन्होंने कोई उन्हों का जो परसनल उन्होंने जायदाद आदे जाके कोई असी कोई धरना नहीं दिता। असी अपनियां मंगां जो जायज रखिया ने साडा जो वातावरण है जिस तरह तुम वेखे हो गए साडे इत्थे बुटर स्कूल दे विच घट तो घट 4000 बच्चा पढ़ता तो वख वख पिंडां दे विच सरकारी स्कूलों के बच्चे आते हैं वह गरीब घर के बच्चे ने वह तुर के आते सैकलों पर आते 8-9 महीने जो ये सवाह उड़ती आ उन्होंने अखा के पी सैकलों तो कई बार डिगण पे उन्हों का बुरा हाल जो स्कूलों आते हैं। साढ़े पिंड जिन्हें भी डॉक्टर ने तुम आके उन्होंने पूछ सकते हो कि जो ये सवाह उड़ती आ हर एक डॉक्टर के कोल एक दिन के 25-25 मरीज आते हैं सवाह कढ़ाने वास्ते। असी इस टाइम जो है बहुत एक साडा जो इलाका वा वो बहुत इन्हां भयानक बीमारियों नाल घिर चुका वा असी डुबदे पए हाँ। असी सरदार मुख्यमंत्री साहब जी नूं ये बेनती करदे हाँ कि भई एक तां तुसीं उन्हां नूं जो अहुदा देता वो ये देता कि वातावरण ते धरती की सांभ संभाल वास्ते उन्होंने तो पहलां रेता पुट पुट के पानी धरती दे विच गंदा भेजिया रहिंद खूंद उन्होंने जो मिलदी आ वह थले भेजी आ। असी बेनती करदे हाँ चन्नी साहब नूं मुख्यमंत्री साहब नूं कि वो इस इलाके का दौरा करन वो आके वेखण कि किस तरह गंदगी दे ढेर लगे हुए ने सारा कुछ असें प्रूफ उस तरह ही आ पानी गंदा उस तरह ही आ सवाह उस तरह ही आ। ये साड़ी बेनती आ भी वो जिहड़े नजायज परचे किए ने साडे को उन्हां कोल साडी कोई भी वीडियो इहो जी नहीं आ कि जिहड़ा असीं कोई धक्का कीता होवे उन्हां दीआं वीडियां साडे कोल हैगीआं ने जिहड़े उन्हां दे गुंडे जो डांगा लेके खड़े सी वो साडे कोल वीडियां बिल्कुल हैगीआं ने। बाकी असीं इस इलाके दे संतां महापुरशां नूं बेनती करनी चाहुंदे आ कि महिता साहब का इलाका है अज संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले हुंदे ते इह किस तरह इह साडे इलाके दे विच कोई गंद नहीं पा सकदा। इस करके संतां महापुरशां नूं बेनती आ भी तुसीं वातावरण दे बड़े प्रेमी हो तुसीं भी अगे आओ किसान जथेबंदियां साडे नाल ने जेकर इह परचे रद्द नहीं होए नजायज परचे ने ते संघर्ष बहुत तेज़ होगा। एक मनदीप नहीं आ इत्थे घर घर मनदीप पैदा हो चुके ने ते नाल ही साडे जिहड़े 11 होर तुसीं बेशक परचे करने ते कर सकदे हो पर असी इस संघर्ष नूं वध तों वध होर तेज़ करांगे जेकर परचे रद्द नहीं होए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरपंच हिम्मत परमवीर पुत्र सिविया अज भगत सिंह जी का जन्मदिन है मैं उस गल नूं लैके गल शुरू करनी चाहुंदा कि उन्होंने लास्ट लफ्ज ही गए कि देश आजाद हो चलिया पर यह ना हो देश पूंजीवाद लोगों के हाथों से आके सियासत जड़ी चले अज वो सियासत पूंजीवाद लोगों के हाथ में आ गई वह सिट्टा जोड़े साढ़े 11-22 नेम परचे हुए 11-12 जाने से वो साढ़े लिए लड़ रहे मतलब साड़ी हवा साड़ी पानी लिए
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 22 ਨੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ, ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ CSO ਵੱਲੋਂ। CSO ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 22 ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ, ਲੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਰਾਣੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਧਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਤੇ ਜੇ ਚਲ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਡੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਕੇ ਕਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਅ ਪੋਜਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 2021 ਆ, ਇਹ 1967 ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤੜੋ ਮਾਰੋ। ਇਹ 2021 ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 5-7 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਬਹਿ ਜਾਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਤੜਨ ਡੇ, ਮਾਰਨ ਡੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਧੱਕਾ ਬਸ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਈਏ? ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਟੈਪ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਦਬਕਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਟੈਪ ਲੋਕ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਸੁਣਦੇ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ 11-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, 11 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ 50 ਪਰਚੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਿਖਤੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਲੇ 30-40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।